नमस्कार। औद्योगिक परिचय संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्यों में अंकित ऑटो इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री, लीडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में आज मैं आप सभी लोगों को अध्ययन कराऊंगा। चलिए देखते हैं ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री के बारे में। ऑटोमोबाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, ऑटो एंड मोबाइल। ऑटो का मतलब होता है अपने आप और मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, यानी कि स्वयं की शक्ति उत्पन्न करके रोड में चलने वाला वाहन जो यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने कार्य करते हैं उसे ऑटोमोबाइल बोलते हैं, यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल का शुरुआत कब और कैसे हुई। तो सन 1760 में निकोलस जोसेफ ने, आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो निकोलस जोसेफ जी थे, 1760 में इन्होंने तीन पहिये से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया। आप देख पा रहे होंगे ये काफी बड़ी गाड़ी थी और इसके आगे स्टीम इंजन लगा हुआ था, यानी कि निकोलस जोसेफ जी ने स्टीम इंजन को यूज करके गाड़ी का आविष्कार किया। अब बात करते हैं सन 1885 और 86 के दशक में डेमलर बेंजस ने फोर स्ट्रोक इंजन को यूज करके एक तीन पहिया गाड़ी का इस्तेमाल किया और आविष्कार किया। और इसके बाद क्या हुआ कि सन 1899 में जो रेनॉल्ट, बहुत ही बड़ी कंपनी उन्होंने बनाई, और इन्होंने क्या किया, जिनका पूरा नाम क्या था, लुईस रेनॉल्ट, तो ये फ्रांस के नागरिक थे और उन्होंने 1899 में एक रेनॉल्ट वैचुरेट करके एक उन्होंने गाड़ी बनाई जो कि वन सिलेंडर इंजन गाड़ी थी और इसकी जो स्पीड थी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके देश में ऑटोमोबाइल का विकास होता गया। उसके बाद 1893 और 1895 में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड नंबर गाड़ी का आविष्कार किया और ये भी कंपनी जो बहुत अच्छी चली और इसकी बहुत सी अच्छी गाड़ियां निकल के आई। तो ये कंटिन्यूअस ऑटोमोबाइल की जगत में विकास होता गया। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री इंडिया के बारे में, इंडिया में किस प्रकार से ऑटोमोबाइल का विकास हुआ। तो मैं आपको बता दूं, सन 1901 में जमशेद टाटा जी पहले ऐसे नागरिक थे जिन्होंने एक कार खरीदी थी। इससे पहले भारतीय सड़कों पर 1897 में पहली बार भारतीय सड़कों पर कार चलना शुरू हुई थी। फिर 1901 में जमशेद टाटा जी ने क्या किया, एक गाड़ी खरीदा और उसको चलाना शुरू किया। उसके बाद 1930 में भारत में कुछ ही कारें आयात होती थी क्योंकि कुछ ही कंपनियां भारत आई थी और वो लोग क्या करती थी, निर्माण करती थी, उनका आविष्कार करती थी और भारत में जबकि चलाती थी। इसके बाद क्या हुआ, 1940 के दशक में भारतीय ऑटोमोबाइल में अपनी विनिर्माण इकाइयां शुरू करी। जो विनिर्माण इकाइयां मतलब क्या था, जिन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करे। उसके बाद हुआ ये कि सन 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा CJ3A जीप तैयार की गई और जो CJ3A जीप थी एक सार्वजनिक कार्यों के लिए यूज होने लगी और इसका काफी ज्यादा यूज हुआ। अब बात करते हैं सन 1950 और 1960 दशक के बारे में। तो राष्ट्रीयकरण की नीति के कारण, क्योंकि राष्ट्रीयकरण की नीति यदि आ गई तो उससे क्या हुआ, इसकी जो प्रगति थी वो क्या होगी, धीरे होगी। और प्रगति धीरे होने से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ, यानी कि ये दिक्कत आने लगी थी क्योंकि ना कोई भी विकास होता है और उसके जो पार्ट्स की जरूरत होती है, तो यदि पार्ट्स ना हो अवेलेबल हो तो वो क्या होगा कि उनकी ना प्रगति धीरे ही हो जाएगी। और क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसके पार्ट्स बनाना शुरू करती है क्योंकि व्हीकल्स है, दिक्कतें तो आएंगी। जब दिक्कतें आएंगी तो उनके पार्ट्स प्रॉब्लम्स आएगी और जब पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा कि उनका विकास रुक जाएगा, यानी उसकी जो उन्नति होगी रुक जाएगी। तो राष्ट्रीयकरण की नीति भी आ गई, तो राष्ट्रीयकरण की नीति आने से क्या हुआ, विकास में भी क्या हुआ, उसकी उन्नति में थोड़ा धीमापन आया। उसके बाद क्या हुआ सर, 1960 में और 1960 के 80 के बीच में, यानी 60 और 80 के दशक में क्या हुआ, बाजार में बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान मोटर्स का दबदबा रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1960 और 80 के बीच में क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान मोटर्स थी उसका बहुत ज्यादा दबदबा रहा। उनमें से जो कार उनकी थी एम्बेसडर, जो ये मॉडल आज भी चलता है, जो भी ऑफिसर लाइन की ग्रेड है, जो भी विभाग ऑफिसर लाइन के होते हैं वहां भी आज भी एम्बेसडर को यूज किया जाता है और एज ए टैक्सी के रूप में भी यूज किया जाने लगा है कहीं कहीं पर। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1983 में मारुति सुजुकी का, मारुति का ही बहुत बड़ा रोल रहा क्योंकि मारुति ने भी क्या किया, पूरा मार्केट को, पूरे मार्केट में छा गई थी और उसकी जो भी उनके प्रोडक्शन था, जो भी उन्होंने आविष्कार कर रखे हुए थे, तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ी और उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा और लोगों तक वो कारें पहुंचने लगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे इंडिया का विकास होना शुरू हो गया और जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इन कंपनियों काम किया उसका वो बहुत ही सराहनीय काम है। अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल इन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो ऑटोमोबाइल का जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। सन 1970 में ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्या था, जो ऑटोमोबाइल उद्योग थे उनमें कोई भी विकास नहीं हुआ था सर 1970 में। क्यों रीजन उसके मैं बताता हूँ हम लोग को, क्योंकि इसके बाद सन 1970 तक क्या था कि कुछ ही कंपनियां भारत आई थी, और जब कुछ ही कंपनियां भारत आएंगी तो कैसे प्रोडक्शन हो सकता है, कैसे उसका ज्यादा उसका लोग उसका लोगों तक उतारे नहीं है। तो जब क्या कुछ ही कार्य भारत आई तो उन्होंने क्या किया, और वो आज क्या है कि उन्नति के शिखर पर है। क्यों, क्योंकि भारत क्या है कि एक प्रकार का बाजार था, ठीक है। तो आर्थिक मंदी होने के कारण भी, मैंने कि आर्थिक मंदी होने के कारण भी भारत वाहनों का एक बड़ा बाजार केंद्र बना रहा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, भारत में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी, तो वहां पर व्हीकल्स होना बहुत ही लाजमी था। तो उन जो विदेशों से गाड़ियां आती थी तो यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर ले जाती थी, और उनका जो आविष्कार भी करते थे, नए नए प्रोडक्शन लाते रहते थे, उससे क्या था कि उनका तो विकास हुआ ही हुआ, भारत का भी विकास हुआ। और जब भारत का विकास हुआ तो ये गर्व की बात है कि हम एक भारतीय नागरिक हैं, और भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और इस समय आज की जनरेशन में बहुत ही ज्यादा योगदान रह रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम कि जो भारत में जो इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज किस किस जगह फैली हुई हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत आसानी से हम इस बात को समझेंगे कि जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने क्या एक रीजन चूज कर रखा हुआ है, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में। अब हम देखेंगे जो ईस्ट रीजन में टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, तो ये टाटा यानी कि वेस्ट बंगाल के साइड में इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर है, बहुत यहाँ पर क्या है विनिर्माण संयंत्र क्षेत्र है। ओके, अब बात करते हैं नॉर्थ रीजन की, जहाँ पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसमें मारुति सुजुकी, होंडा, हीरो, यामा, तो इस प्रकार कंपनियां, इस प्रकार जो ब्रांड है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इनका प्रोडक्शन हाउस है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर विनिर्माण संयंत्र क्षेत्र ओपन कर दिए गए, यहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है। यदि अब बात करते हैं हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि क्या है वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट जोन में आते हैं, ये सब वेस्ट जोन में आते हैं। तो वहां पर टाटा मोटर्स, फिएट, बजाज, महिंद्रा, ये सिर्फ इस प्रकार कंपनियां भारत आती हैं और यहां पर क्या करती है प्रोडक्शन करती हैं। वेस्ट रीजन में वॉक्सवैगन, आइसर, फोर्ड, स्कोडा, ऑडी, इस प्रकार की गाड़ियों का प्रोडक्शन हाउस है, यहां पर प्रोडक्शन करती हैं कंपनियां जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, और क्या कहते हैं पूरे भारतवर्ष में इन कंपनियों इन प्रोडक्शन जो कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं और इनके व्हीकल्स को यूज करते हैं भारतीय नागरिक। अब बात करेंगे इस रीजन के बारे में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के रीजन बात करेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो विनिर्माण संयंत्र क्षेत्र ओपन किए गए, यहाँ पर सेंटर ओपन किए गए, वो थे हुंडई, फोर्ड, मिसुबिशी मोटर्स और टीवीएस, टोयोटा, वॉल्वो, रॉयल एनफील्ड एंड बीएमडब्ल्यू एंड निशान एंड रेनॉल्ट। तो इस प्रकार क्या है पूरे भारत वर्ष में हर प्रकार के ब्रांड हर जगह फैले हुए हैं और प्रोडक्शन करते हैं और भारतीय नागरिकों को तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने भारत देश भी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हर जगह भारतवर्ष में ऑटोमोबाइल का विकास हो रहा है धीरे धीरे ही सही, पर विकास हो रहा बहुत तेजी से, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग जो इंडिया ऑटो एक्सपो है, अब इंडिया ऑटो एक्सपो की बात करते हैं, ये हर एक दो साल में होता है। 2012 तक ये जो ऑटो एक्सपो था ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ करता था, जो ऑटो एक्सपो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ करता था। बट अब 2014 से भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट ओपन हो चुका है, वहां पर अब इसका आयोजन होता है। अभी इसी वर्ष 7 से 12 फरवरी 2020 में ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया। यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप कंपनियां यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर अपना प्रोडक्शन करती हैं और अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड कार यहाँ पर लेके आती हैं। यदि उनकी सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आता है मारुति सुजुकी का नाम। इन्होंने क्या किया, जो उनका कॉन्सेप्ट बेस्ड कार थी वो थी फ्यूचर ई, और उन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो थी विटारा, ब्रेजा, फेसलिफ्ट, इग्निस फेसलिफ्ट और जिम्नी। अब बात करते हैं हुंडई की, हुंडई ने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड कार थी ले फील रफ टाइट, तो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो न्यू क्रिएटर, ये बहुत ही ज्यादा, ये नंबर वन दो साल में कंटिन्यूअस नंबर वन कार रही है। आज भी कार ऑफ द ईयर चूज किया गया तो न्यू क्रिएटर को चूज किया गया, तो बहुत अच्छी कार है, बहुत लोगों तक पहुंची है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया हुआ है। तो इसीलिए हुंडई जो ब्रांड है वो इस समय इंडिया का नंबर वन लीड करता है, नंबर वन लीड कर रहा है सेल्स के मामले में और प्रोडक्शन के मामले में। वैसे तो मारुति सुजुकी है, बट यदि नंबर वन सेल्स और प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हुंडई सबसे नंबर वन पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन और उसका सेल्स बहुत ज्यादा हो चुका है। और उन्होंने क्या किया, टक्शन फेसलिफ्ट i30 का
प्रोडक्शन किया। यदि बात करते हैं टाटा मोटर्स की, उन्होंने सियारा निकाला और उसके ग्रिप्टास, न्यू विंगर्स एंड अल्ट्रोज उनकी क्या थी, प्रोडक्शन कंपनी थी, उन्होंने प्रोडक्शन किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं महिंद्रा की, तो उनकी एक्सयूवी ईवी उनका क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड कार थी और उन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो एटम ईकेवीयू 100, तो इन्होंने क्या प्रोडक्शन किया। यदि बात करते हैं किया मोटर्स की, जो कि नया ब्रांड है हुंडई के साथ चलता है, क्योंकि हुंडई के कुछ पार्ट्स एकदम सिमिलर है किया मोटर्स के साथ में, वो लोग एक साथ काम करते हैं। ओके, और जो कि इनके जो स्पेसिफिकेशन जो है, इनके कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सोनेट था, और जो उनका प्रोडक्शन था वो था कार्निवेल, एक्सीड एंड स्टोनिक। अब बात करते हैं एमजी मोटर्स की, आपने देखा होगा एमजी हेक्टर इस समय बहुत ही तगड़ा ब्रांड हो चुका है, बहुत ज्यादा इसकी कारें सेल हो रही है, प्रोडक्शन इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन्होंने क्या निकाला, हेक्टर एसयूवी और हेक्टर प्लस और ग्लॉस्टर एंड G10 इनके प्रोडक्शन थी। अब बात करते हैं वॉक्सवैगन की, तो उनके आईडी क्रूज और टैगोन इनका कॉन्सेप्ट बेस्ड कार है, और जो प्रोडक्शन उन्होंने यूज किया वो टैगोन और टी रॉक किया। यदि बात करो रेनॉल्ट की, तो RS22 एंड सिम्बोसिस उनमें क्या क्या उन्होंने प्रोडक्शन किया, KZE, ZOE एंड ट्राइबल AMT। तो इस प्रकार से जितनी भी कंपनी, जितने ब्रांड है वो भारत में, उनका जो ऑटो एक्सपो मार्ट ओपन हो चुका है ग्रेटर नोएडा में, वहां पर जाते हैं, वहां पर प्रोडक्शन करते हैं, या हर एक दो साल में अपनी अपनी जो भी प्रोडक्शन होती है कंपनियां होती हैं वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती है, लोगों तक पहुंचाती है, क्योंकि भारत एक केंद्र है, एक बाजार है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के कारखाने हैं, तो हर प्रकार के यूटिलिटीज की जरूरत पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स की। यदि मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल की क्लासिफिकेशन की, तो इसमें किस बहुत प्रकार से हम लोग क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लोडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फ्यूल के अकॉर्डिंग, एज पर एक्सल के अकॉर्डिंग एंड एज पर व्हील के अकॉर्डिंग, और एज पर ड्राइव के अकॉर्डिंग और एज पर स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई करते हैं। यदि बात करें लोडिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग, तो उस पर जो व्हीकल्स आते हैं वो क्या होते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स। तो इस प्रकार के व्हीकल लोडिंग कैपेसिटी के अंतर्गत आते हैं। यदि बात करें एज पर फ्यूल, फ्यूल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, तो डीजल व्हीकल, गैस व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड स्टीम व्हीकल, ये जो व्हीकल्स हैं ये एज पर फ्यूल के अकॉर्डिंग आते हैं। यदि बात करूं मैं एज पर एक्सल और एंड एज पर व्हील के अकॉर्डिंग, तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ये एज पर एक्सल एंड एज पर व्हील के अकॉर्डिंग है। और यदि बात करता हूं मैं एज पर स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग, तो आपने देखा हुआ कहीं पर किसी व्हीकल में लेफ्ट में स्टीयरिंग होती है और कभी किसी व्हीकल में राइट में स्टीयरिंग होती है। ओके, तो स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग भी ऑटोमोबाइल को वर्गीकृत किया गया है। आप जैसा देख पा रहे होंगे गाड़ियों को वर्गीकरण उनके बनावट, प्रयोग, निर्माता या भार ढोने की क्षमता आदि से किया जाता है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से ऑटोमोबाइल को वर्गीकरण किया गया है। यदि आप बात करते हैं हम लोग लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको जानना है कि जो जो कंपनियां हैं भारत में वो किस प्रकार से काम करती हैं और क्या क्या प्रोडक्शन वो लोग करती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स है भारत में शीर्ष चार वाहनों ब्रांडों में से एक है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये शीर्ष यानी टॉप फोर व्हीकल्स कंपनी, ब्रांड कंपनी में से एक है, और इसके जो उत्पाद है यात्री वाहन, कोच, बस, ट्रक, वाणिज्यिक वाहन और कार भी शामिल है। यदि बात करूं मैं टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार, हैचबैक कार, कॉम्पैक्ट सेडान एंड टाटा सफारी एसयूवी और मल्टी यूटिलिटी वाहनों का उसने उत्पादन किया है, यानी कि हर प्रकार से हर एक फील्ड पर टाटा मोटर्स ने अपने कदम रखे हैं और भारतवासियों को एक बहुत अच्छी कार उन्होंने प्रोवाइड करी है। देख पा रहे होंगे कोच, बस, ट्रक, वाणिज्यिक वाहन, इस प्रकार के व्हीकल्स टाटा मोटर्स ने बहुत ही आसानी से और लोगों तक पहुंचाए हैं। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में। तो मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी में से एक है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी में से एक है और भारतीय कार बाजार में 53% हिस्सेदारी रखती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय बाजार में 53% हिस्सेदारी रखती है और मारुति सुजुकी के में क्या किया उसने, मारुति सुजुकी के भारत में तीन विनिर्माण संयंत्र क्षेत्र है जो कि ऑटो केटन, स्विफ्ट, वेगनार, सियाज, बेलेनो और विटारा ब्रेजा जैसे वाहनों का उसने उत्पादन किया है। मारुति सुजुकी ने बहुत डिफरेंट वे में काम किया और बेलेनो, सिया, जो वैगनार जैसी उन्होंने कार और यूटिलिटी निकाली और भारतीय नागरिकों तक पहुंचाई। ओके, अब बात करते हैं लेडी मैन्युफैक्चरर में महिंद्रा ऑटो यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो महिंद्रा
भारत के साथ साथ दुनिया में भी ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा निर्माताओं में से एक है, और साथ ही यह देश के सबसे बड़े वाहन निर्माताओं में से भी एक है, और जिसके प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा की जो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो महिंद्रा बिलेरो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में इसने कार ने काफी ज्यादा नाम कमाया, तो महिंद्रा बिलेरो भारतवर्ष में काफी ज्यादा उसको यूज किया गया, महिंद्रा बिलेरो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक्सयूवी 500 एंड महिंद्रा थॉर, जैसे भारत में जो महिंद्रा ने शीर्ष प्रमुख मॉडल पेश किए हैं, क्योंकि इनके जो मॉडल्स थे वो इतने टॉप लेवल मॉडल्स थे कि भारतीय उसको बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, और आज भी आप देख पा रहे होंगे महिंद्रा बिलेरो और स्कॉर्पियो आज भी यूज होती हैं, जितने भी रूरल एरिया, जितने भी अर्बन एरियाज हैं, हर एक एरिया में इनका यूज होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए अब बात करते हैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये कंपनी सेल ऑफ प्रोडक्शन के मामले में नंबर वन बन चुकी है, बहुत ही ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो ये वही जो प्रोडक्शन लेके आती हैं, जो कार लेके आती हैं, आप देख, मैंने आपको बताया था क्रेटा नंबर वन, टू ईयर से नंबर वन कार रही है। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता है और अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में नंबर वन निर्यातक है, नंबर वन निर्यातक। और हुंडई की जो पहली कार थी हुंडई सेंट्रो थी, और अब चेन्नई में सबसे बड़े उन्नत उत्पादन गुणवत्ता और परीक्षण क्षमताओं के साथ दो विनिर्माण संयंत्र क्षेत्र है। तो ये मैंने बात करी हुंडई मोटर इंडिया के लिमिटेड के बारे में, इससे पहले मैंने बात करी थी महिंद्रा महिंद्रा के बारे में, अब मैं बात करूंगा अशोका लीलैंड के बारे में। अशोका लीलैंड तो भारत में बसों और ट्रकों का सबसे बड़ा निर्माताओं में से एक है, और देश में दूसरी सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन कंपनी में से में भी है, क्योंकि ये बस सेगमेंट में एक मार्केट लीडर का काम करती है, क्योंकि इसके जो अशोका लीलैंड की बस ट्रक ये बहुत ही जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, तो अशोका लीलैंड इनका प्रोडक्शन करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो देश की दूसरी सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन कंपनियों में से एक है। और यदि अब बात करूं मैं फोर्ड इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो भारत की छठी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। देखिए तो मैं सीरीज बता रहा हूं, ये सीरीज को आप याद करिएगा, क्योंकि क्या है ये सब वन बाई वन आई के पीछे है, सब एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देती है, कोई ना कोई हर एक कंपनी एक दूसरे को अपने अपने क्षेत्र में कॉम्पिटिशन देती है। तो भारत की छठी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी में से एक है, जिसने जो प्रोडक्शन किया फोर्ड फिगो, फोर्ड फिस्टा, फोर्ड इको स्पोर्ट्स एंड फोर्ड एंडवर जैसी भारतीय सड़कों के लिए यूरोपीय फोर्ड कारों को कई मॉडल भारत में पेश किए। यदि अब मैं बात करूं मोटर्स के बारे में, तो मिसुबिशी मोटर्स वाणिज्यिक ट्रकों का निर्माण करती है और दुनिया के बड़े वाहन निर्माताओं में से एक है। जो मिसुबिशी जो पेजरो कार थी उसे क्या किया था कि हिंदुस्तान मोटर के साथ एक साथ मिलकर संयुक्त उद्यम के साथ काम किया था। तो ये जिनका जो सेंटर ओपन हुआ है वो क्या थिरुवल्लूर के तमिलनाडु की जगह पर उन्होंने क्या किया, संयुक्त उद्यम के साथ उन्होंने ओपन किया। यदि अब मैं बात करूं ऑटोमोटिव एसोसिएशन के बारे में, तो ऑटोमोटिव एसोसिएशन में चार एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा। जिस नंबर वन एसोसिएशन है द वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन WIAA। इस संघ की स्थापना, देखिए जितने भी एसोसिएशन होते हैं हर एक संघ का एम होता है, हर एक संघ का गोल होता है, तो इस संघ का भी कुछ ना कुछ गोल रहा है। तो बात करूं मैं ऑटोमोबाइल की जो एसोसिएशन है, तो द वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोटिव एसोसिएशन में बात करता हूँ, इनकी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में इस संघ की स्थापना हुई, यानी 1919 में इस संघ की स्थापना हुई, और उसका जो हेडक्वार्टर वो अहमदाबाद में है। इसका जो मुख्य कार्य था सड़क प्रयोग करने वाले वाहन व लोगों के लिए सड़क सुरक्षा का परीक्षण और वाहन सड़क सुरक्षा पर अनुसंधान करना था, यानी कि रिसर्च करना था। किस पर रिसर्च करना था, सड़क प्रयोग करने वाले वाहन और लोगों के लिए सड़क सुरक्षा का परीक्षण और वाहन सड़क सुरक्षा के लिए अनुसंधान करना था। यदि मैं बात करूं दूसरे एसोसिएशन के बारे में, तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADAI। तो इस संघ की स्थापना 1964 में हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका जो मुख्य कार्य है सेमिनार आयोजन कराना, समाचार पत्र में प्रेषित करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, और ये सब करा के, यानी कि सेमिनार करा के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के, समाचार पत्र में प्रेषित करा के ऑटोमोबाइल का उद्योग जो होते हैं उनका ज्ञान वर्धन कराना, ये उनका मुख्य एम था, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर ऑटोमोबाइल उद्योग का ज्ञान वर्धन कराना, यानी कि अवेयरनेस फैलाना, ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये उनका क्या था, ऑटोमोटिव एसोसिएशन था।
अब बात करते हैं हम लोग तीसरे ऑटोमोटिव एसोसिएशन के बारे में। तो तीसरा ऑटोमोटिव एसोसिएशन, उसका नाम है ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, यानी कि ACMA। और जब ACMA की बात करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं, इस संघ की स्थापना 1997 में हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो भारत सरकार के कई पैनल कमेटियों और काउंसिलों में इस संस्था ने वाहन गटों का निर्माण किया, और उसका जो थी जो जो संगठन है वो क्या करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। संघ की स्थापना 1997 में हुई, इसका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, यानी कि SIAM के बारे में बात करेंगे। तो जो इस संघ की स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। उसका जो मुख्य कार्य था, इसके बारे में बात करेंगे कि हर एक संघ का मुख्य कार्य होता है, और हर जो संघ के मुख्य कार्य होते हैं वो अपने उसी संघ के जो मेन गोल होते हैं उस पर ही काम करते हैं। तो उसका जो गोल था, इसका जो एम था वो क्या था कि पर्यावरण सुरक्षा, जो कि बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट के लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण सुरक्षा और सड़क सुरक्षा जैसी जानकारी देकर लोगों को जागृति उत्पन्न करना, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल यदि इंडस्ट्रीज यदि इंडिया में है और व्हीकल्स चल रहे हैं तो हमें एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसलिए इस संघ ने क्या किया कि पर्यावरण सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए बहुत कुछ जानकारी देना चाहा, और उन्होंने क्या किया सेमिनार भी कराया और उनको जागृति उत्पन्न कराने के लिए कोशिश करी। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है टेस्टिंग एंड R&D, यानी कि R&D मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो जो प्रोजेक्ट वहां चलते थे, जो नेट ट्रिप वर्ड है इसी को बोलते हैं पर नेट ट्रिप। तो जो नेट ट्रिप है वो दिल्ली में, इसकी जो इसका जो मुख्यालय दिल्ली में है, और ये भारत का सबसे बड़ा और अब तक का मोटर वाहन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की एक पूरी श्रृंखला है, इन दोनों ने मिलकर इस पर काम किया हुआ है, और ये भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के बीच में शामिल होने के लिए एक अनूठा प्रतिनिधित्व करता है नेट्रिप। अब बात करते हैं जो नेट्रिप जो परीक्षण होते हैं उसका सत्यापन किया जाता है, वहां पर अनुसंधान होता है, और विकास केंद्र बनाने के लिए जो उद्देश्य थे वो 2011 तक क्या हुआ कि भारत में शीर्ष 7 केंद्र बनाए गए, 7 जगह पर बनाए गए। उन 7 केंद्रों की जो स्थापना हुई उस पर 1418 करोड़ भी खर्च हुए, उस पर निवेश किया गया उन केंद्रों को बनाने के लिए। और उन केंद्रों के जो नाम है आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ICAT मानेसर, GARC चेन्नई, IDAC रायबरेली एंड NCAT अहमदनगर, और ARAI पुणे, और पूर्व केंद्र सिलचर, और NATRIP भी शामिल है। यानी कि जो जो 7 सेंटर है वहां पर R&D डिपार्टमेंट है, वहां पर प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, वहां पर टेस्टिंग होती रहती है, वहां पर परीक्षण सत्यापन अनुसंधान सब होता रहता है। अब बात करते हैं ऑटोमोटिव रिसर्च एंड एसोसिएशन के बारे में, जो इंडिया का जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, वो की बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। तो हम ARAI के बारे में भी बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें जान जाएंगे उसका फुल नेम क्या होता है। तो आप देख पा रहे हो उसके ऊपर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इंडस्ट्रीज, और जो ARAI है उसको 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसका जो हेडक्वार्टर वो पुणे में स्थित है। तो भारत मंत्रालय के साथ मोटर वाहन उद्योग द्वारा सहकारी औद्योगिक अनुसंधान संघ एसोसिएशन के उद्देश्यों और उसके उत्पाद की डिजाइन और विकास के लिए ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास हो रहा है। यानी कि जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उस पर विकास और R&D होती रहती है, तो क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट है। तो जो ARAI ये भी प्रोजेक्ट है इंडिया का एसोसिएशन के लिए बहुत जाना माना, ये भी एक एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज के लिए। अब बात करते हैं जो ARAI है उसको क्या किया, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के द्वारा गठित औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया, शामिल कर लिया, पर जो उसको जो रजिस्ट्रेशन की उसको मिली, ये बता दूं मैं आप लोगों को, जो ARAI 1860 के अधिनियम 21 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया इसको, ARAI को। ओके चलिए अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में, क्योंकि देखिए यदि आपको देखिए यदि व्हीकल्स है तो रोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, और हाईवेज के बारे में जाना बहुत जरूरी है, तो ट्रांसपोर्ट और एंड हाईवेज के बारे में जाना बहुत जरूरी है। तो सन 1957 में परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन और कम्युनिकेशन विभाग कर दिया गया था, पर इंपॉर्टेंट बात है कि सन 1986 में परिवहन मंत्रालय को फिर से दो भागों में बांटा गया, और जो पहला विभाग था शिपिंग विभाग, और जो दूसरा विभाग था सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग।
दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि जो सड़क परिवहन क्या दिया गया, स्वदेशी राजमार्ग और यातायात रिजर्व हेतु प्रशासनिक और परिवहन संबंधी कानून बनाना, लागू करवाना और कानूनों को पालन करवाना और उसको दिशा निर्देश जारी करना ताकि भारत में सड़क परिवहन प्रणाली को सरल सुव्यवस्थित चालू किया जा सके। क्या? सरल सुव्यवस्थित चालू किया जा सके और उस पर काम किया जा सके, ये सड़क परिवहन का मेन उद्देश्य था। चलिए अब बात करते हैं ऑटोमोटिव ट्रबल शूटिंग के बारे में। इसको जानना बहुत ही जरूरी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग यानी कि किसी भी गाड़ी के मर्ज को पकड़कर उस पर काम करना और उसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना और उसको प्रॉब्लम को फाइंड करके शॉर्ट आउट करना कहलाता है ट्रबल शूटिंग। यदि ट्रबल शूटिंग की बात करें, ये दो प्रकार से होती है, एक कन्वेंशनल तरीका होता है और एक नॉन कन्वेंशनल तरीका होता है। कन्वेंशनल तरीके की बात करें, जैसे कि आपके पास व्हीकल है और उस व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉब्लम क्या करते हैं, एज पर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग, एज पर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग आप क्या बताएंगे कि देखिए भाई साहब या देखिए मैकेनिक भाई यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए, इस प्रॉब्लम को सही कर दीजिए। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो चीजें देखिए, मैंने आपको इसके में दिखा रखा है क्लस्टर मीटर है, ये क्लस्टर मीटर आपके व्हीकल्स में होता है और जो उस क्लस्टर मीटर में कई सारे आपको देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 करके कई सारे आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन है। यदि क्लस्टर मीटर में कोई भी दिक्कत होती है, यदि गाड़ी में कोई भी दिक्कत है तो इस क्लस्टर मीटर में क्या होता है, वार्निंग आती है, वार्निंग लाइट जल जाती है, रेड लाइट जल जाती है, आपको बताएगा देखिए यहाँ पर दिक्कत है। आप देख पा रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं, फॉग लाइट, इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग वार्निंग, इसको बोलते हैं फॉग लाइट, जो थर्ड नंबर फॉग लाइट, इसको बोलते हैं वाशर फ्लूइड। तो ये जितने भी नोटिफिकेशन है इसकी वार्निंग आ जाती है यदि यदि किसी गाड़ी में कोई दिक्कत होती है। तो यदि प्रॉब्लम सामने आ गई है तो अच्छी बात है, और यदि प्रॉब्लम सामने नहीं आ पा रही है, वार्निंग लाइट नहीं दे रहा, फिर भी गाड़ी में दिक्कत है, कुछ आवाजें आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मैकेनिक जानकार है, यदि कुशल पेशेवर है, वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। पर यदि वो नहीं जान पा रहा है प्रॉब्लम को तो क्या करते हैं, हर एक कंपनी, हर एक जो ब्रांड होते हैं, जैसे मैं बता दूं जो हुंडई कंपनी है उसके पास एक जीडीएस सॉफ्टवेयर होता है और जीडीएस सॉफ्टवेयर के तहत क्या करता है, वो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है और एक सिस्टम चार्ट होता है, उस सिस्टम चार्ट से क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर उस प्रॉब्लम को सही करते हैं और प्रॉब्लम क्या होती है, सही हो जाती है। तो बहुत ही नियमबद्ध तरीके से करते हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप में करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रबल शूटिंग में जो भी काम होगा स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले सही चीज को हटा अलग कर लेते हैं, जहां दिक्कत होती है उस पर भी काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तरीके से ट्रबल शूटिंग की जाती है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि क्लस्टर मीटर पर यदि नोटिफिकेशन आ गया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ पाया तो ये डिपेंड करता है कि वो जो पेशेवर है, तो कुशल पेशेवर है, वो कितना उसके पास स्किल्स है, उसकी नॉलेज पर, उसके कैलिबर पर डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी वो सही कर सकता है। तो ये था हमारा ट्रबल शूटिंग, ठीक है। आपको मैंने दिखा भी रखा है कि समस्या निवारण केवल निदान की प्रक्रिया है या किसी विशेष समस्या का सटीक कारण निर्धारित करना है, और उचित निदान के बिना किसी वाहन से मरम्मत करना बहुत ही मुश्किल होती है। क्या लिखा हुआ है, उचित निदान के बिना किसी वाहन को ठीक तरह से मरम्मत करना भी बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने आप लोगों को जो आज प्रशिक्षण प्रदान किया है उसमें जो ऑटो इंडस्ट्रीज के मैंने आप बारे में आपको बताया, तो मैंने आपको बारे में बताया हिस्ट्री के बारे में, बताया कि 1760 में निकोलस जोसेफ ने तीन पहिये की गाड़ी का आविष्कार किया था जो कि स्टीम इंजन से चलने वाली थी, और 1901 में आपके जो जमशेद टाटा जी थे उन्होंने पहली गाड़ी खरीदी, और 1897 में भारतीय सड़कों पर पहली बार गाड़ी चलना शुरू हुई थी। और लीडिंग मैन्युफैक्चरर के बारे में बताया आपको, मैंने हुंडई के बारे में बताया आपको, मैंने मारुति सुजुकी के बारे में बताया आपको, मैंने अशोका लीलैंड के बारे में बताया आपको, मैंने हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में बताया, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में बताया कि मैंने किस प्रकार से मैंने क्लासिफाई किया, मैंने किस प्रकार से आप लोगों को बताया कि आपको एज पर व्हील के अकॉर्डिंग, एज पर एक्सल के अकॉर्डिंग, एज पर स्टीयरिंग अकॉर्डिंग, एज पर फ्यूल के अकॉर्डिंग, और एज पर आपके लोडिंग अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से आप ऑटोमोबाइल क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। और मैंने नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया आपको, मैंने एआरएआई के बारे में बताया कि वो 1966 की शुरुआत हुई थी, और मैंने बताया कि ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया कि ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम लोग को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि गाड़ी में दिक्कतें आती है तो उस मर्ज को पकड़ना बहुत जरूरी है, उस मर्ज को पकड़कर उस पर काम करना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये क्या कहलाता है, ये हमारा ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो आज मैंने आप लोगों को ऑटो इंडस्ट्रीज में कई चीज, कई टॉपिक के बारे में बताया, और मैं जो भी टॉपिक्स है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, जैसे ऑटो बेसिक ऑटोमोबाइल की बुक है, एनएसक्यूएल 5 की बुक है, जो सीपी नाकरा की बुक है, आपको यहाँ पर से पिक कर सकते हैं, और आप विकिपीडिया से भी सर्च मार सकते हैं, और आप लोग शोध गंगा या जो पीडीएफ मैंने दे रखी है आप लोग यहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। और मैं बात करूंगा
मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो मैंने पढ़ाया, जो प्रशिक्षण प्रदान किया हुआ है, ये भविष्य में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। धन्यवाद।